अर्जुन ने समझावता। श्री कृष्ण बोल्या, अर्जुन तू बुद्धिमान छे, आ अनुचित विषयोनी चिंता केम करे छे? बुद्धिमान व्यक्ति जीवित के मृत व्यक्ति नी चिंता नथी करता। तू अथवा आ राजाओ न हता एवो कोई काल न हतो, भविष्यमा पण आपणे नहीं रहीशु एवू पण नहीं थाय। आत्मा शरीर धारण करी बाल्यावस्था थी युवावस्था अने युवावस्था थी वृद्धावस्था में जई मृत्यु पश्चात बीजु शरीर धारण करे छे। चैतन्य आत्मा आ परिवर्तन थी विचलित नथी थतो। कुंती पुत्र जेम ग्रीष्म अने हेमंत आवे छे अने जाय छे, तेज प्रकारे नश्वर सुख अने दुख उद्भवित थाय छे अने कालना प्रवाहमां विसर्जित थाय छे। इंद्रियोना कारणे तेमनो आविर्भाव थाय छे, अंते आ बधाथी अलिप्त रहीने सहनशील बन जीवात्मा वध करे छे के वध करावे छे ते विचारवू तो मूर्खता छे। ज्ञानी जाने छे के न तो आत्मानो नाश थाय छे अने न तो आत्मा नाश करे छे। हे पार्थ, आत्मा अनादि छे, अनंत छे, आ परिवर्तनशील नथी। करता करविता तो हूँ ज छू, तू तो फक्त निमित्त छे। जेम कोई जूना वस्त्रों उतारी नवा वस्त्रों धारण करे छे, तेवी ज रीते आत्मा एक शरीर नो त्याग करी नवो देह धारण करे छे। आत्मा ने कोई शस्त्र भेदी न शके, अग्नि बाड़ी न शके, जल भीनू न करी शके अने वायु कोरू न पाड़ी शके। जेनु सर्जन थयु छे ते आदि थी नथी, परंतु विद्यमान छे अने अंतमा पुनः लुप्त थई जशे। तू चिंतित केम छे? एक क्षत्रियना रूपमा नीति नी स्थापना माटे समर करवा थी श्रेष्ठ कर्तव्य बीजू कोई नथी। अंतः शुद्ध न रहे, किंतु जो तू आ धर्मयुद्ध मा पीछे हट करीश तो तू तारा कर्तव्य थी विमुख थवानु दुष्परिणाम भोगवीश अने साथे साथे शूरवीर होवानी कीर्ति पण गुमावी दईश। प्रजा हमेशा तने अवदूत करशे। प्रजा द्वारा अपमानित थवू मृत्यु थी पण हीन अवस्था छे। कुंती पुत्र, युद्धमां वीरगति मेळवी तू देवलोक प्राप्त करीश, अन्यथा विजयी थई शासन करीश। उठ, दृढ़ थईने युद्ध कर। अर्जुन श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछे छे, श्रेष्ठ गुणवान मनुष्यना लक्षण शुं छे? तेमनी भाषा, तेमनी वाणी केवी होय छे? तेओ केवा छे? तेमना गुण कहो मधुसूदन। उत्तरमां श्री कृष्ण कहे छे, हे पार्थ, मननी कल्पनाथी उत्पन्न थती इंद्रियोनी इच्छाओनो त्याग करी जारे कोई स्वयंमां संतुष्ट थाय छे त्यारे ते उन्नत अवस्थामां स्थित थाय छे।